जो एक बड़ा सा घुम्मट होता है उसके पर पत्थर के कलश लगे हैं और वहाँ की जो आबोहवा है उसमें वो पत्थर के कलश को कुछ ना कुछ नुकसान होता रहता था तो उसकी जगह ये जो हमारे कॉपर के कलश लगाए जाए और उसको सुवर्ण मंडित किया जाए तो उससे समग्र मंदिर जो है, वो देदीप्यमान होगा